राम मंदिर 370 CAA मुस्लिम आरक्षण, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाए थे और अब ऐसा लगता है कि लगभग ये सभी मुद्दे बुरी तरह से फ्लॉप हो गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। बीजेपी कहने को तो 292 सीटें अपने गठबंधन के साथ ले आई है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा होता है, लेकिन बीजेपी वालों के चेहरे देखकर आप ये कह सकते हैं कि उनकी जीत में भी एक हार उन्हें महसूस हो रही है। वो जुबान से भले कह रहे हैं कि 1965 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि इसके साथ बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सरपट वो दौड़ नहीं पाएंगे जिस तरह से दौड़ सेकेंड टर्म में लगाई गई थी, और सेकेंड टर्म में जिन मुद्दों को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था वो मुद्दे 2024 के चुनाव में फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद किसी की कल्पना नहीं थी बीजेपी यहां से हार सकती है, लेकिन सच यही है, फैजाबाद लोकसभा में बीजेपी हार गई, ये बड़ी बात है। अयोध्या बीजेपी चुनाव हार गई, लल्लू सिंह चुनाव हार गए। अयोध्या में 15,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया था, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, बीजेपी हार गई। राम मंदिर ट्रस्ट चेयरमैन के अध्यक्ष के बेटे साकेत मिश्रा चुनाव हार गए। 1992 में सीएम रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह वो भी चुनाव हार गए। अयोध्या शहर की विधानसभा में केवल 4,000 ज्यादा वोट लल्लू सिंह पाए, शहर की विधानसभा में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और फैजाबाद की 4 ग्रामीण विधानसभा में लल्लू सिंह को बहुत कम वोट मिला। अगर आप गोंडा और कैसरगंज को हटा दें, कैसरगंज जहां ब्रजभूषण लड़ते हैं, तो फिर अयोध्या के आसपास के जितने सीट थी, अंबेडकर नगर, बस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, हर जगह पर बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था 370 का, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां के लिए 370 का मुद्दा उठाया गया था उस कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, तो क्या वो मुद्दा बीजेपी के लिए काम आया, पता नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कश्मीर में कोई चुनाव नहीं लड़ा। हां, कश्मीर से सटे लद्दाख में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जहां पर अपने प्रत्याशी को हटाकर नया प्रत्याशी दिया था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को सेपरेट बनाकर बीजेपी ने जो ये पूरा इशू उठाया था वहां पर बीजेपी नंबर 1 पर नहीं, नंबर 2 पर नहीं, बल्कि नंबर 3 पर पहुंच गई, जो बताता है कि 370 का भी बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी है नहीं और लद्दाख में बीजेपी चुनाव हार गई है। इसके अलावा एक मुद्दा था CA, वन नेशन वन इलेक्शन, UCC, बहुमत ने अपने दम पर दूर रहने की स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की जिन बैसाखी के सहारे बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ना तो CAA का समर्थन करती हैं, ना UCC का समर्थन करती हैं, और ना वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती हैं। अब इसका मतलब यह होता है कि बीते चुनावों से पहले बीजेपी जिस CAA का बात कर रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी, और जिस UCC की बात कर रही थी, क्या वो हो पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल नजर आता है, बहुत मुश्किल नजर आता है कि CAA लागू हो पाएगा, UCC लागू हो पाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन गठबंधन की सरकार में लागू हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के इस मुद्दे का समर्थन नहीं करते आए। जहां तक बात बीजेपी ने चुनाव में विरोध किया था धर्म के आधार पर आरक्षण का, तो मुस्लिम आरक्षण की आंध्र प्रदेश में खुलकर चंद्रबाबू नायडू वकालत करते हैं और 4% मुस्लिम आरक्षण का वायदा भी उन्होंने किया है, जो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ जाता है। दलित वोट का असर यूपी में उतना रहा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कहानी जो है वो बीजेपी के खिलाफ गई। अगर आपको अभी भी लगता है कि बीजेपी अयोध्या हारी है, कैसे हार गई, तो जाते जाते आपको बता दें कि कई सारी वजह थी अयोध्या हारने की, जो लोगों को सबसे कम पच रहा है, एक चौड़ीकरण, लोगों को मुआवजा नहीं मिला,
लल्लू सिंह ने काम नहीं किया। लल्लू सिंह ने 400 पार पर संविधान बदलने का बयान दिया, जातीय समीकरण बीजेपी फंसी और उस अयोध्या को हार गई जिस पर उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आत्मंथन का विषय है कि जो जो बड़े विषय उसने उठाए, चाहे वो सीए हो, मुस्लिम आरक्षण हो, राम मंदिर हो, 370 हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूसीसी हो, क्या उन सभी मसलों का उन्हें लाभ मिला? शायद या शायद नहीं।